वर्षों पहले आतंकवाद के साथ एक और नाम जुड़ा, वो नाम था हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। लेकिन जिस व्यक्ति ने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद कहा, वो संसद की प्राचीर से बोलने वाला कोई मुसलमान या ईसाई नहीं था, वो हमारा भूतपूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे एक हिंदू था। जब उसने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद कहा, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं चाहता तो उसके विरोध में कुछ भी लिख सकता था, पर उसकी संस्कृति ऐसी थी वो किसी को गाली दे। मेरा नाम अमित शर्मा है, मेरी संस्कृति ऐसी नहीं है मैं किसी को गाली दूं। किसी कवि की मुझे दो पंक्तियां याद आ गई कि कीचड़ तेरे पास था मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था सबने दिया उछाल। तेरी संस्कृति ऐसी थी तू किसी को गाली दे, पर मेरी संस्कृति ऐसी नहीं मैं किसी को गाली दूं। लेकिन मित्रों, उस व्यक्ति को यह बताने की कोशिश की कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, भगवा क्या है। अगले पंक्ति में पंक्तियां बोलेगी, उस व्यक्ति को क्या बताने की कोशिश की कि जब जब बहुत भाई खिंच गया कि जब जब आहत हुई है धरती देव मुनियों ने बचाई थी, क्या है हिंदुत्व क्या है भगवा, कि जब जब आहत हुई है धरती देव मुनियों ने बचाई थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबने लीला अपनी रचाई थी, भागीरथ ने की विनती जब माँ गंगा धरती पर आई थी, डुबाना दे गंगा धरती को शंकर ने जटा फैलाई थी, डुबाना दे गंगा धरती को शंकर ने जटा फैलाई थी, और समंदर मंथन जब हुआ अमृत दिया था भगवान ने, इस धरती की रक्षा हेतु जहर पिया था भगवान ने, इंसान बने हैं अपने भगवान, मानव धर्म निभाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है, और भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं, भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं। मैं चाहता हूं गुरुदेव आप एक बार खड़े हो जाएं कि भगवा वस्त्र, गुरुदेव एक बार खड़े हो जाएं आधी मिनट के लिए कि भगवा वस्त्र, एक बार जोरदार ताले बजाए कि भगवा वस्त्र में कोई गुरुदेव हमारे, कि भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं, धर्म के ये सच्चे रक्षक अंबर के चमकते तारे हैं, शक्ति इतनी है इनमें, शक्ति इतनी है इनमें, ये सब वीरान बना सकते हैं, पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं, पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान। आपकी मित्रों तालियां कमजोर है, इतनी कमजोर ताले में मुझे पढ़ने की आदत नहीं है, आपने मुझे बहुत गंदी आदत डाल रखी है, कि पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। आज विदेशी आते हैं आकर हिंदू बन जाते हैं, हमारे यहाँ पे एक महाकुंभ लगा जिसमें 25 करोड़ लोग आए, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है, उन 25 करोड़ लोगों में से 18 लाख लोग विदेशी थे, उन 18 लाख विदेशी लोगों में से 14,500 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया, जिसमें एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी फोर्ड कंपनी के मालिक के लड़के ने जब हिंदू धर्म अपनाया और उसका हिंदू नाम रामदास रखा गया, तब जाकर मैंने पंक्ति लिखी कि आज विदेशी आते हैं आकर हिंदू बन जाते हैं, राम राम जपते सारे सब भक्ति में रम जाते हैं, कठोर तपस्या क्या होती है साधु सा तप पर देखो, शांति कितनी मिलती है तुम ओम नाम जप पर देखो, और धरा 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 ये जिस पर घूम रही, धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, कि कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, कि हम ही सबसे आगे थे, सब कुछ इतिहास बता देगा। आज इतिहास उठाकर देखो, इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 1437 में है, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 2017 में है, लेकिन हिंदू विक्रम संवत की बात करूं तो आज 2074 में है और 2075 में पहुंचने की तैयारियां कर रही हैं। 57 साल तो दुनिया से हम लिखित रूप में आगे हैं, हमको ये आंकड़ा भी हमारे पास है वेदों के अनुसार कि इस धरती माता को बने हुए लगभग 1,96,00,000 वर्ष हो चुके हैं, कि हम ही सबसे आगे थे, सब कुछ इतिहास बता देगा, जमी बता देगी, किससे सारा आकाश बता देगा, दुनिया मांस चप खाती थी, हम फसल उगाया करते थे, लोग घूमते थे नंगे, हम बदन छुपाया करते थे, जब दुनिया वाले किसी पेड़ के नीचे सो जाया करते थे उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे, उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे, सत्य अहिंसा और धर्म का हमने सबक सिखाया है, अपनी ताकत का लोहा इस दुनिया से मनवाया है, मुगलों से न मिटे हिंदू अंग्रेज हार कर चले गए, सिकंदर जैसे बलशाली भी मन को मार कर चले गए, इस दुनिया में जिसने भी हिंदू को मिटाना चाहा है खुद ही चला गया दुनिया से, हिंदू मिटना पाया है, शीश झुकाकर जो आया सबका सत्कार किया हमने, दुश्मन की भी भूल के बातें सबको प्यार किया हमने, वो भी हम मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं, वो भी हम मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं, भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो भी हम मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं, भगवा
जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। अगले बंद में बताता हूं भगवा क्या है। भगवा कोई आतंकवाद का रंग नहीं है। अगर ये भगवाधारी आतंकवादी हो जाते तो दुनिया में सिर्फ भगवाधारी होते और कोई नहीं होता। कि अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। प्राणों से जो प्यारा तिरंगा उस झंडे की शान है भगवा। चंदा जब जब आता है रंग भगवा का लाता है। सूरज के अंदर देखो तुम भगवा ही लहराता है। भगवा अपना जीवन है, भगवा अपनी पहचान है। अमरीका जैसे देशों में भी भगवा का गुणगान है। भगवा का सम्मान ही पूरे देश का सम्मान है। भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है। कि भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है। श्री राम के तन पर था जो, श्री राम के तन पर था जो, उसको भगवा कहते हैं। देव मुनि नारायण सारे सब भगवा में रहते हैं। रंग दे बसंती चोला के वीरों ने देश बचाया है। ओढ़ के भगवा विवेकानंद ने दुनिया में ज्ञान बहाया है। महापुरुष और बड़े महात्मा भगवा लहरा कर चले गए। गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटा कर चले गए। गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटाकर चले गए। आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। आज लोग कहते हैं हिंदू तो को मिटा देंगे, हिंदुस्तान को मिटा देंगे। मित्रों डरने की कोई जरूरत नहीं है। मरता वो है जो पैदा होता है। हम अजन्मे हैं, हमने जन्म नहीं लिया। पाकिस्तान की जन्म तिथि 14 अगस्त 1947 है। पाकिस्तान की जन्म तिथि है, ब्रिटेन की जन्म तिथि है, अफगानिस्तान की जन्म तिथि है, अमेरिका की जन्म तिथि है, डेनमार्क की जन्म तिथि है, थाईलैंड की जन्म तिथि है, कंबोडिया की जन्म तिथि है, इटली की जन्म तिथि है। और जिसकी जन्म तिथि होती है उसकी मरण तिथि भी होती है। हम अजन्मे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाए। कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाएगा। अरे जलते दीपक में भगवा है, कब तक उसे बुझाओगे? और भगवा मिटाने वालों कैसे सूरज चांद मिटाओगे? भगवा मिटाने वालों कैसे सूरज चांद मिटाओगे? सद्भाव प्रेम से जीने की सलाह आज भी देते हैं। इंसान बने हर कोई दुनिया में, बात यही हम कहते हैं। अपना झगड़ा नहीं रहा कभी मस्जिद चर्च मजारों से, पर जंग हमेशा छिड़ी रहेगी घर बैठे गद्दारों से। ये कौन लोग हैं अफजल की फांसी पर मातम मना रहे? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। 450 करोड़ रुपए सब्सिडी जब आप लोग अपने टैक्स के पैसों से देते हो ना, तब वो जेएनयू में हमारे टुकड़ों पे पलते हैं। ये कौन लोग हैं अफजल की फांसी पर मातम मना रहे? खामोश खड़ी है पुलिस भी अपनी डंडा तक ना दिखा रहे। काले धन पर संसद घेरे हम पर डंडा बरसाते हैं। आतंकी को जीजा फूफा साहिब तक भी बताते हैं। वो कौन शख्स है जिसने जंतर मंतर का घेराव किया, अपनी ही सेना के ऊपर ईंटों से पथराव किया? उत्तर अब तक मिला ना मुझको, इन आंखों में नीर है। अरे आतंकी के मरने पे क्यों बंद हुआ कश्मीर है? आतंकी के मरने पे क्यों बंद हुआ कश्मीर है? देशद्रोह का केस ठोक दो जो फांसी का विरोध करे। अपनी न्याय व्यवस्था में पैदा जो भी अवरोध करे। मातम जो ये मना रहे भारतीय नहीं गद्दार है। और अफजल को जो मौत मिली ये भी उसके हकदार हैं। कि गर ना समझे बातों को हम सारे ही मिट जाएंगे। अपनी खामोशी के बदले भारी हानि उठाएंगे। अरे कहो भारती के सीने पर प्रहार नहीं होने देंगे। इटली वालों के सपने साकार नहीं होने देंगे। देश के हर एक हिंदू को हम देशभक्त बना देंगे। और भगवा झंडे को हम दुनिया में लहरा देंगे। सत्य अहिंसा और धर्म का हमें मार्ग चुनना होगा। एक बार फिर से हमको विश्व गुरु बनना होगा। वाह वाह।